Hotels continue to invest in their F&B programs to help differentiate their brands and appeal to travelers seeking authentic cultural experiences. However, your F&B outlet don't exist just for your hotel guests. There is large audience waiting in every market to fill your restaurant seat that often goes untapped, and that is locals. I mean, we generally forget to those locals around, which can also become the good business potential for the hotel. Turn a local guest into a regular. You will benefit from not only being the round ear business, you can also get the benefit from word of mouth marketing to attract other locals and travelers. Plus, if your hotel brand is in other cities, you can build brand loyalty with locals at home, so they choose your hotel when they are traveling in those cities. But the biggest question comes, how do you appeal to these locals? I mean, it all starts with local marketing strategy that addresses what matters to this audience. That means you would be requiring separate ad campaign, copy and promotions, marketing strategies across your channels to appeal to locals. This is what I have prepared in today's video. So keep watching this video till end, as I have digged into how to create your local marketing strategy to increase the hotel restaurant business. And if you have not subscribed my channel, please do it now in order to get new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. As today's topic is very clear and transparent that we need to cover the locals. लोकल्स को आइडेंटिफाई करना है और लोकल्स पे ही हमें टारगेट करना है. लोकल्स के थ्रू ही हमें अपना रेस्टोरेंट का, होटल के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका बिजनेस इंक्रीज करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा एक लोकल चैनल. बेसिकली किस तरीके से कोई भी अगर होटल रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाता है, तो उसका हमें एक रूट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिकली लेवरेज लोकल चैनल्स. तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी अपना नेक्स्ट डाइनिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसके माइंड में स्ट्राइक करता है और किस तरीके से वो अपनी टेबल बुक करता है या किस तरीके से वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है. स्टार्टिंग फ्रॉम लोकल इन्फ्लुएंसर्स. वो ऐसे भी हो सकता है कि वो लोकल इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होकर वो खाना खाने जाते हैं, या फिर हैशटैग्स के थ्रू, या फिर एक पब्लिकेशन के थ्रू, या मार्केटिंग के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर उनके पास जो मैसेजेस आते हैं उसके थ्रू. तो सारी चीज़ें हमें एक तरीके से कोलैबोरेट करनी है, वो एक साथ इकट्ठा करके. वी नीड टू फिगर आउट, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि उस लोकल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके से वो लोकल्स अट्रैक्ट होते हैं. उस चीज़ के लिए हमें हर तरीके की एक हमें मार्केटिंग, हर तरीके का एक हमें चैनल आइडेंटिफाई करना होगा कि वो लोकल चैनल है क्या. माई फर्स्ट पॉइंट कम्स फाइंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स. वैसे तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनका एक अच्छा खासा डेटा होता है, फॉलोअर्स होते हैं, अच्छा खासा नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू अगर वो किसी भी रेस्टोरेंट को एक शोकेस करना चाहें, किसी को मार्केट करना चाहें, तो उनके फॉलोअर्स डेफिनेटली उसमें जो एक लॉ ऑफ एवरेज निकल के आएगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली उस रेस्टोरेंट में विजिट करेंगे, उसका खाना पसंद करेंगे, खाएंगे. लेकिन यहाँ पे हमें एक मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करते हुए कि लो बजट में अगर हम मार्केटिंग करें, कुछ स्ट्रेटेजी लाए, तो सबसे पहले हमें टारगेट करना होगा फाइंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स. उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे एक बेसिक सा एक फंडा है कि यू हैव टू बी ऑन एवरी सोशल मीडिया. बेसिकली योर रेस्टोरेंट शुड कवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आपके पास अच्छा खासा डेटा भी होना चाहिए. तो वो अगर आप वहाँ पे हैं और उसके बाद फिर आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को उनके फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए बुलाते हैं, या फिर उनको इंडिविजुअली डिनर के लिए होस्ट करते हैं, या फिर उनको खाना भेजते हैं जोमेटो या स्विगी के थ्रू, तो एक तरीके से वो आपका ऑटोमेटिकली एक मार्केटिंग स्लोली ग्रेजुअली वहाँ पे बढ़ती है. क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका जो एक डेटा है, उनका जो एक नेटवर्क है, वो जो हैशटैग यूज़ करते हैं, और जो जिस तरीके से आपका रेस्टोरेंट भी वो हैशटैग करते हैं, तो उससे आपका जो लोकल में जो आपका जो मार्केटिंग होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी. पीपल विल डेफिनेटली कम टू योर रेस्टोरेंट टू हैव अ लुक ऑफ योर रेस्टोरेंट्स एंड साइमल्टेनियसली टू टेस्ट योर फूड. उसके बाद तो सारे स्किल्स आपके रेस्टोरेंट्स, आपके शेफ पे, आपकी सर्विस पे और आपके खुद की रेसिपी पे डिपेंड करती है. इसी तरीके से आप
उन इन्फ्लुएंसर्स को, और साथ में अगर कोई एक इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई आप किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपना एक रेनोवेशन के बाद एक रीस्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई एक छोटी इवेंट जिसमें आप काफ़ी अपने रेस्टोरेंट को या अपनी होटल को मार्केट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आप सोशल और काफ़ी गैदरिंग कर रहे हैं जिसमें आप कॉर्पोरेट्स भी इन्वाइट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप इन्फ्लुएंसर चाहे छोटे हों चाहे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हों, उस पार्टी के बजट में आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो जब आएंगे वहाँ पे आपके रेस्टोरेंट को अपने सोशल मीडिया पर पब्लिश करेंगे, हैशटैग करेंगे, शोकेस करेंगे, तो उससे एक अच्छी खासी आपकी मार्केटिंग होगी और आपका लोकली जो आपका रेस्टोरेंट है वो अच्छा खासा एक एडवर्टीज हो जाएगा। तो इसमें आपकी इम्पॉर्टेंट जो आपका नोटिस होना चाहिए कि इस तरीके की जो भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज करें, प्राइवेट डिनर की या फिर एक इवेंट वाली, तो उसमें यू मस्ट इनवाइट एवरी इन्फ्लुएंसर्स टू दैट पर्टिकुलर इवेंट। एक पॉइंट आता है चूजिंग द राइट लोकल हैशटैग्स। वैसे तो आपके पास अगर कोई एक्सपर्टाइज डिजिटल मार्केटिंग का है जो आपके लिए रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए काम करता है, आपके रेस्टोरेंट की मार्केटिंग के लिए कोई काम करता है, या फिर आपने कोई फ्रीलांसर रखा हुआ है, या फिर कोई एक परमानेंट आपके पास एक ऐसा स्टाफ है, या फिर आईटी टीम से कोई एक ऐसा जो एक्सपर्टाइज है जो उस चीज़ पे वर्कआउट करता है, तो ही मस्ट बी नोइंग व्हाट एग्जैक्टली आर द लोकल हैशटैग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया टू प्रमोट योर रेस्टोरेंट। तो उसके लिए आपको लोकल हैशटैग्स यूज़ करने चाहिए। उसके लिए अगर आप नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप hashtagify.me, आप ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है hashtagify.me, इस पे यू कैन सर्च अ कंप्लीट डेटाबेस टू फाइंड हैशटैग्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन योर इंडस्ट्री एंड मार्केट, और उसी के थ्रू आप अपने रेस्टोरेंट के जो प्रमोशन का है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेंड्स मैप। इसमें भी आप यू कैन जस्ट फिगर आउट द टॉप सर्च्ड हैशटैग्स बाय सिटी, बाय कंट्री, बाय रीजन। उसमें काफ़ी आप सिलेक्शंस कर सकते हैं, उससे फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या हैशटैग्स आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होंगे और काफ़ी अच्छा प्रमोशन करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अनदर वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड अप्रोच इज़ बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग अ लोकल PR स्ट्रेटेजी। उसमें आप चाहे न्यूज़पेपर में कोई एक कॉलम हो जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के कॉलम होते हैं, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट्स के या फूड से रिलेटेड होते हैं जिसमें इन द नो, या फिर आपके अपने होटल का रेस्टोरेंट का प्रमोशन हो, या फिर कोई मैगजीन में हो, तो वो भी अगर आप अपने आप को पब्लिश करेंगे होटल और रेस्टोरेंट्स को टॉप पे लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी एक अच्छा एक बहुत अच्छा तरीका है। उसमें यू कैन डेफिनेटली स्प्रेड दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड होटल नियर बाय द लोकेलिटी, एंड लोकली आप इस चीज़ में बहुत ही अच्छा एक वर्कआउट कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, आप इसको अगर आपके जैसे मैंने बताया था कि अगर दूसरी सिटीज़ में भी आपके सेम ब्रांड्स और सेम होटल्स और सेम रेस्टोरेंट्स आपके दूसरे सिटीज़, यू कैन हैव गुड पब्लिसिटी अराउंड। साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो इन्वाइट द लोकल राइटर्स, वो जो लोकल राइटर्स होते हैं दे विल शेयर देयर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन अ गुड राइटिंग विद गुड लैंग्वेज, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रमोट विद अ वाओ फैक्टर। वो आपको इस तरीके से प्रमोट करेंगे, इस तरीके की आइडियोलॉजी, इस तरीके का एक कंटेंट बना के देंगे जो आपके रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा एक बूस्ट अप करेगा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली पीपल विल अट्रैक्ट टू दैट पर्टिकुलर राइटिंग दैट कंटेंट एंड दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग दैट पर्सन एंड दे विल विश टू कम टू योर रेस्टोरेंट एंड डेफिनेटली वन फाइन डे दे विल ऑल्सो कम। तो उसमें भी एक लॉ ऑफ एवरेज लगेगा, तो स्लोली ग्रेजुअली उसमें नंबर ऑफ जो आपके गेस्ट और जो विजिटर्स होंगे उस रेस्टोरेंट से होटल में आने के लिए वो काफ़ी अच्छे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कम्स एज एन बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी वेयर एज फ्यू रेस्टोरेंट्स स्पॉन्सर्स कम्युनिटी एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट विद द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेस्टोरेंट मार्केटिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट चैनल टू रीच लोकल्स। बेसिकली द फंडा बिहाइंड देयर इज टू know the right way to get in front of locals in authentic way. उसी तरीके से you can just make the sense of making the right marketing for your brand. There are few ideas behind there. वो जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, सबसे पहले आप एक sponsor कर सकते हैं कोई community में, कोई sports event, कोई music event, अगर locally कुछ एक स्पोर्ट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में जाके आप अपनी एक इवेंट होस्ट कर सकते हैं जिसमें पेरेंट्स भी आते हैं, जिसमें काफ़ी लोकल विजिटर्स भी आते हैं।
कोई आप एक फूड ट्रक भी लगा सकते हैं, उस फूड ट्रक लगाने से भी आपको एक अच्छा खासा, एक भले ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो वो जस्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि मेन आपका अट्रैक्शन होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी द लोकल्स, और वो एक ऐसी कम्युनिटी में होना चाहिए फूड ट्रक भी, ऐसा नहीं कि वो पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे एक अलग तरीके का एक क्राउड इकट्ठा हो जाए। आपको सिर्फ उन सोसाइटीज़, उन कॉलोनीज़ और उस अच्छी अच्छी जगह पे करना होगा जहाँ पे आप जिन क्लाइंट्स को, जिस बेसिकली एंड कस्टमर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से आप अपना एक उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस के अलावा किसी कॉर्पोरेट्स में भी आप एक लंच या कोई छोटी इवेंट कर सकते हैं, आप होस्ट कर सकते हैं उनके किसी टाउन हॉल को। तो उसी तरीके से अगर आप कुछ भी वहाँ पे करते हैं या फिर कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ परसेंट शेयर का करते हैं, डिस्काउंट शेयर में करते हैं, तो दिस इज़ व्हाट द वे इज़ बेसिकली यू आर प्रमोटिंग एंड डूइंग द मार्केटिंग फॉर योर ओन रेस्टोरेंट एंड होटल। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू द मार्केटिंग फॉर द लोकल्स। Once you decide which channel will fit into your local marketing strategy, now the next action comes basically to identify what content, sound, music, the kind of communication you would like to make it with your end customer. सबसे पहले तो आपको मैंने वैसे ही भी बता दिया है बहुत क्लियरली कि आपको सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प के थ्रू आपको प्रमोट भी करना पड़ेगा। You can also become the part of the community, whereas you can just do such activities which I have shared. बट यहाँ पे जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके पास खुद का भी एक डेटा होता है, और डेटा होना भी चाहिए। उस डेटा या चाहे मेल्स के थ्रू हो, चाहे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप क्रिएट करें, या फिर आपके पास जो मेल आईडीज हैं उनको आप एक किस तरीके का कंटेंट, किस तरह के तरीके का एक अट्रैक्टिव कंटेंट आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन गेट द काइंड ऑफ गुड फीडबैक एंड गुड फुटफॉल्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट दैट यू नीड टू थिंक ऑफ। वो क्रिएट करके आपको अपने डेटा में सब जगह आपको फ्लोट करना है, और उसी तरीके से आपको हर दिन या फिर वीक में एक या दो बार आपको प्रैक्टिस रखनी होगी कि आप हैशटैग्स के थ्रू आप अपने लोकल चैनल्स के मीडियम से, आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रह सकते हैं। यही सब चीज़ें हैं बेसिकली आपके लोकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करने की, और इसी वजह से, इसी तरीके से आप अपने होटल के रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सकते हैं। और यही नहीं, आपके अगर दूसरे सिटीज़ में, हर दूसरी जगह पे भी यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और आपके होटल्स हैं, जब आपका चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, तो वो भी प्रमोट होने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहीं पे आई वुड लाइक टू टेल यू दीज ऑल आर द गुड वेज टू प्रमोट योर होटल रेस्टोरेंट, एंड आई थिंक दीज आर सफिशियंट एनफ। If you just follow it religiously and if you work out on those parameters and whatever the points which I have been discussed, you will definitely get the good promotion, good revenue of your hotel restaurant, and simultaneously you can have a good name and brand within the locality. So yahi pe main apni video khatam karta hu, and I expect that you have got the complete idea of how you can promote your hotel restaurant through local marketing strategy. So keep watching my such kind of videos, and I will also come with further videos how you can optimize the revenue, how you can just grow your hotel, restaurant, and with regard of knowledge of new trends and all such kind of things would be there in my coming videos. So keep tuning my channel HM Nishant, and if you have not subscribed my channel, please do it now in order to get new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. Thank you very much.